वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम फिर एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस साल आप लोगों के ढेर सारा प्यार मुझे मिला है, ढेर सारी दुआएं मिली हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी डिमांड्स आती हैं उसको फुलफिल कर पाएँ। इस साल में नए साल के लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ। देखिए, पहली टिप तो क्या है, रात में सोना शुरू कीजिए। आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग रातों में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। रात की नींद लीजिए, डिनर जो है सोने से 2 घंटे पहले कर लें। सूर्यास्त के बाद अगर आप डिनर करते हैं, बहुत देर से डिनर करते हैं लोग, मध्य रात्रि में आजकल डिनर करने लगे हैं, ये ना करें आप। 7-8 बजे तक अगर आप खाना खा लेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना खा लीजिए, अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 7 बजे खा लीजिए, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 10 बजे खा लीजिए। लेकिन आइडियल टाइम है 8 से 9 के बीच में, अगर आप डिनर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। हैवीएस्ट मील जो होता है आपका, सबसे ज़्यादा जो आप खाते हैं वो ब्रेकफास्ट में खाइए, उससे कम फिर लंच में खाइए, और बिल्कुल ना के बराबर जो आपको खाना है वो आपको डिनर में खाना है। पानी खूब पीजिए, 2.5 लीटर पानी पीजिए। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो फ्लश आउट होंगे हमारे ज़्यादा पानी पीने से। खाने के साथ में कच्चे प्याज या कच्चे लहसुन का प्रयोग ज़रूर करें, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। और कोशिश करें कि जो आप लंच करते हैं उसके साथ 33% आपको सैलेड का प्रयोग करें, रॉ सैलेड का प्रयोग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो लिमिट में कर दीजिए या बंद कर दीजिए। स्मोकिंग करते हैं तो इस न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन लीजिए कि स्मोकिंग नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, हमारे भी कुछ एपिसोड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्मोकिंग छोड़ने में। तो किसी भी तरह से स्मोकिंग और टोबैको का सेवन इस साल आपको बंद करना है, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और मैं कहूँ तो ये मेरा ऑर्डर भी है आपको, ये दोनों बुरी आदतें इस साल आप छोड़ दें। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें और अगले साल तक भी हम पर ऐसे ही प्यार लुटाते रहें। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी क्षमता है पूरी अपनी क्षमता का प्रयोग कर आपको सेवा देते रहें। एक बार नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।